हो गई जी ब्रेक। कहाँ थे हम? कूटा, कूटा मोड़ रुके थे कुछ 2-4-5 मिनट के लिए शायद। थोड़ा सा बम को विश्राम दिया है, दर्द हो रही है। अब चलते हैं आगे। हाँ, अभी थोड़ा सा आराम मिला, ब्लड सर्कुलेशन हुई है। एक्चुअली सीट जो है उसमें कुशनिंग नहीं है इतनी ज़्यादा, ये नॉर्मल सीट है जो साथ में आती है स्कूटी के, वही है। तो कुशनिंग कम है, उस वजह से पिछले 1-1.5 घंटे से कंटिन्यू चला रहा हूँ, शायद ज़्यादा देर से हल्का सा हुआ। तो 2-4 मिनट का बस एक ब्रेक था, खड़े होके पानी पिया हल्का सा और चल दिया आगे। देखो अब धूप अभी उस तरह से नहीं है जैसे रोज़ होती है, शायद बरसात का मौसम है उस वजह से थोड़ी सी इंटेंसिटी कम है धूप की, तो उतनी चुभ नहीं रही है। हाँ, आंखों में चुभ रही थी, उसके लिए ये शेड्स लगाई। अच्छा हुआ जब मेरे को याद आ गया था लास्ट टाइम पे कि लगा डाल देता हूँ, इस्तेमाल होगी ना नहीं होगी। पहले सोच रहा था मैं क्या इस्तेमाल होंगी शेड, ठीक है कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैंने कहा पड़ी हैं डाल लो। तो सच में बहुत इस्तेमाल हो रही हैं, जब मैंने सुबह इनको नहीं डाला था तो बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे स्कूटी चलाने में, अभी फ़िलहाल ठीक है। धूप है उतनी नहीं है, मतलब उतनी तेज़ लग नहीं रही है। मौसम शायद यहाँ भी बारिश हुई होगी, सुबह तो बारिश हुई थी उससे मौसम अच्छा था, उस तरह की तेज़ धूप नहीं है। तो वो गलत आ रहे हैं ना, हम क्या अब सड़क से नीचे उतर जाएंगे क्या? वो इसलिए आ रहे हैं, उनको लग रहा कोई गाड़ी नहीं है वहाँ पे। कहाँ से गलत काट रहा है बेवकूफ यार, इसको जगह नहीं है उधर। वो लेफ्ट से निकाल रहा है इको स्पोर्ट वाला, उधर से जगह ही नहीं थी तो ले, अब ले देख फिर उधर जा रहा है, मर रहा है, रास्ता दे तो रहा हूँ। रास्ता दे रहा हूँ राइट से, फिर उधर से जा रहा है, मर रहा है। सोना नहीं, सोना नहीं गिर जाएगी। पेट्रोल तो बड़ा है। लो जी कठुआ पहुंचने वाले हैं हम, और उसके बाद लखनपुर, गेटवे ऑफ जम्मू। तो भाई हम आ गए अभी कठुआ, ये राइट को जो रास्ता जा रहा है, ये आ रहा है कठुआ मेन की तरफ, और ये जो जगह है इसका नाम है कालीबड़ी। अभी हम कठुआ में ना रुकते हुए हम सीधे ब्रेक लगाएंगे लखनपुर में। लखनपुर में कुछ खाएंगे पिएंगे, लखनपुर की सबसे मशहूर चीज़ है पल्ले, लेकिन हमने पल्ले हर बार खाए हैं और आज हम पल्ले ना खा के, क्या पता पल्ले भी खाएं साथ में, लेकिन आज एक जगह के पनीर वाले पकोड़े बड़े मशहूर है वहाँ के, हम आज पनीर वाले पकोड़े खाएंगे वहाँ पे। तो देखते हैं, यहाँ से लखनपुर ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही किलोमीटर्स हैं। और ये लखनपुर जो है ये है गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ से ही जम्मू एंड कश्मीर की जो बाउंड्री है वो शुरू होती है, और इसके बाद लखनपुर के बाद आएगा पंजाब, वहाँ से होते हुए हम जाएंगे हिमाचल के बाउंड्री में। तो देखते हैं और एंजॉय करते हैं शायद। काम तो हर जगह चल रहा है सड़कों का। ये बबलिंग क्यों हो रही है? ये स्कूटी हिल क्यों रही है? रोड की वजह से नहीं, ये स्कूटी हिल क्यों रही है इतनी? हाँ तो ये रोड की वजह से। हाँ ये खुरदुरा सा है, स्कूटी एकदम से हिल रही थी पूरी की पूरी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, कोई नट तो नहीं लूज हो गया, बट नट शट लूज नहीं था, वो था एकदम से रोड जो ख़राब था, उस वजह से स्कूटी हिल रही थी पूरी। ज़्यादा दूर नहीं है तो पता मेरे को। हवा हवा ओ हवा, मौसम ने एकदम से करवट ली है। अभी तक तेज़ धूप थी, उतनी तेज़ भी नहीं थी।
लेकिन अभी देखो आप एकदम से बादल आए हैं और रोड देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, चलने में भी ठीक ही है। अब एकदम से आगे धूप आ गई, वो बादलों का सिलसिला ख़त्म और ये धूप शुरू। ये इंडस्ट्रियल स्टेट है कठुआ का, बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं इस तरफ मेरा लेफ्ट में। ये नहीं करना चाहिए यार, सड़क पे ये जो फेंक रहे हैं ना कचरा गाड़ी से चलते चलते, ये अच्छी बात नहीं है यार। यहाँ पे तो देखो ना, अब इतने हाईवे है यहाँ पे, गवर्नमेंट के लिए हर जगह कोई सफाई कर्मचारी रखना भी पॉसिबल नहीं है। तो अब बेटर है अपनी कार में ही एक छोटा सा लिफाफा रख लो यार, ट्रैश बॉक्स नहीं रखना, एक लिफाफे में ही अपना जो भी खा पी रहे हो गंदगी एक इकट्ठी कर लो, और जब किसी अच्छी जगह पे पहुँचो वहाँ पे ज़रूर डस्टबिन लगा होगा, वहाँ पे डालो ताकि उसको फिर उस गंदगी को एक प्रॉपर वे में डिस्पोज ऑफ किया जा सके। ये जगह जगह रास्ते में फेंक देते हो यार गंद, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अब किसी को बोलूँ तो वो लड़ने पर आएगा, और बोलने की ज़रूरत क्या है यार, आप खुद जाहिल तो नहीं है यार। यहाँ पे है मुझे न, तू कह रही थी अंदर जाके वो गली में, तो वही तो कहा था तूने एक बार मेरे को। भाई लखनपुर पहुंच गए हम और अभी ढूंढ रहे हैं पकोड़े पनीर वाले। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर दें, और इसके बाद पनीर पकोड़े कैसे थे अगली वीडियो में आपको पता चलेगा, ज़रूर देखें। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच। भाई अब हम जाएंगे यहाँ पे, कहाँ लगाएं स्कूटी को, उतर उतर नीचे।